हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था। हमने 1 to 5 नंबर्स भी कर लिए। अब क्या करेंगे? कुछ काउंट एंड मैच। क्या करेंगे अब? काउंट एंड मैच। काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और उनको इन नंबर्स के साथ मैच करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे पहला वाला तो हमें करके बताया हुआ है। ये फ्रूट हैं, कितने फ्रूट हैं? 1, 2, 2। तो इन्होंने क्या किया है? 2 के साथ उसको मैच कर दिया है ना, मैच किया हुआ है ना। तो हमें यहाँ पे अब ये मिल्क बॉटल्स को काउंट करना है। चलो आप मेरे साथ काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बॉटल्स हुई है? फिर से काउंट करें। 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसमें 5 कहाँ है? फटाफट आइडेंटिफाई करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। आप पहले गैस करो कि 5 कहाँ है। दिस इज 5, दिस इज 5 और दिस इज 5, या फिर ये 5 है। फटाफट बताओ इन नंबर्स में से 5 कौन सा है। 5 इज हियर। तो हम इसको मैच कर देंगे 5 से। हो गया है ना, सिंपल। चलिए अब ये कुछ स्टेयर्स काउंट करते हैं। 1, 2, 3। कितनी है ये? 1, 2, 3। इनमें से 3 नंबर कहाँ है? 3 इज हियर। ये 3 है, तो मैंने इसके साथ क्या कर दिया? इसको मैच। चलिए लेट्स काउंट दीज सिलेंडर्स। 1, 2, 3, 4। काउंट इट अगेन। 1, 2, 3, 4। और 4 कहाँ है? FOUR 4। 4 इज हियर। हो गया मैच। अब लास्ट में एक एलिफेंट दिया। कितने एलिफेंट है ये? 1। तो इसको हम 1 के साथ मैच कर देंगे। है ना एकदम सिंपल। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और ये आप नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉम मतलब अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आपको वो ये ड्रॉ करके दे सकते हैं और आप काउंटिंग काउंट एंड मैच को प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, अब तो फ्री हो, काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना मैथ्स की। ठीक है, मूव्ड टू पेज नंबर 33। हम पेज नंबर 33 पर आ चुके हैं। हमने काउंट एंड मैच किया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे बोला है मेक ग्रुप्स ऑफ। अब हमें यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पे हमको नंबर्स दिए हैं, हमें सिर्फ एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप। ग्रुप किसे बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक हमें फर्स्ट वाला करके बताया है। यहाँ पे कहा है 4 बॉटल्स। ग्रुप्स किसका बनाने को बोला? 4 बॉटल्स का ग्रुप बनाना है। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में बैठते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आपके भी होंगे, आप लोग क्या करते हो? साथ में एक ग्रुप बना के बैठ जाते हो। 3 फ्रेंड्स हैं तो 3 फ्रेंड्स बैठते हो। वैसे हमें यहाँ पे 4 बॉटल्स का ग्रुप बनाने को बोला है। यहाँ पे टोटल बॉटल्स तो 6 दी हुई हैं, लेकिन हमें कितनी बॉटल्स का ग्रुप बनाने को बोला? 4। तो यहाँ पे इन्होंने काउंट करके 1, 2, 3, 4 4 बॉटल्स काउंट की और एक ग्रुप बना दिया, एक उसके आसपास एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, चलिए हमें ये फर्स्ट वाला तो उन्होंने एग्जाम्पल करके बताया हुआ है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? 3 ट्रीज। ग्रुप किसका बनाना है? क्या बोला है यहाँ पे? 3 ट्रीज का ग्रुप बनाना है। वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 3 ट्रीज। तो 1, 2, 3 काउंट कर लिया। कितने? 1, 2, 3। 3 ट्रीज को काउंट किया और उसके आसपास एक बॉक्स बना दिया। चलिए हो गया हमारा ग्रुप। 3 ट्रीज का एक ग्रुप बना दिया है ना, हमने इनको 3 ट्रीज को अलग कर दिया। उसके बाद यहां पे बोला है 2 ड्रम्स। यहां पे ड्रम्स दिए हैं, उसमें से हमको कितने ड्रम्स का ग्रुप बनाना है? ओनली 2। दो ड्रम्स का ही ग्रुप बनाना है। तो 1, 2 2 ड्रम्स काउंट किए और उसके आसपास क्या बना दिया? एक बॉक्स। तो हमने इन 2 ड्रम्स का एक ग्रुप बना दिया। इसके बाद 5 लैंटर्न्स। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ लैंटर्न्स दी हुई हैं, उनका हमें उनमें से पांच फाइव लैंटर्न्स का ही ग्रुप बनाना है, ठीक है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। तो ये मैंने की फाइव लैंटर्न्स काउंट और बना दिया एक ग्रुप। टोटल 7 लैंटर्न्स थी, उसमें से हमें बोला था सिर्फ 5 लैंटर्न्स का ग्रुप बनाना है, तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ करके उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, आइसक्रीम कोन बना लो, स्टार बना लो, और फिर इनकी इसकी प्रैक्टिस करो। ग्रुप्स बनाने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।